नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास। बिंदास में हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिस मुद्दे के ऊपर सबसे पहले सुदर्शन टीवी ने आवाज उठाया था और वो मुद्दा अब दोबारा राष्ट्रीय पटल पर आया है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आया है, लेकिन पूरा नहीं उठा है। जी हां, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, जो कि सरकार के राष्ट्रीय दामाद के तौर पर देश में ट्रीट किए जाते हैं। हमने 2 साल पहले आपको बिंदास बोल में कार्यक्रम किया था कि रॉबर्ट वाड्रा दामाद किसके, सोनिया के या सरकार के। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, तब किसी ने भी, किसी मीडिया ने, किसी दल ने, किसी एनजीओ ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आवाज नहीं उठाया था। हमारा वो बिंदास बोल टीवी के द्वारा तो करोड़ों लोगों ने देखा ही, इंटरनेट पर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखने वाला भारतीय टेलीविजन चैनल के इंडस्ट्री में एकमात्र टीवी चैनल का कार्यक्रम है जो किसी भी न्यूज चैनल का कोई कार्यक्रम 10 लाख से ज्यादा लोगों ने नहीं देखा। उसी कार्यक्रम पर दोबारा बहस शुरू हुई है। रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर टीम केजरीवाल ने आवाज उठाई है और उसके बाद देश भर में यह मुद्दा जोरों शोरों से उठ रहा है। हम इसके दो पहलू लेकर आपके सामने आए हैं। एक तो ये मुद्दे, जो मुद्दे कल उठाए गए टीम केजरीवाल की तरफ से, उसमें केवल 300 करोड़ का आरोप किया गया। हमारा कहना है कि लोग जब आरोप 3 लाख करोड़ से ज्यादा का करते हैं रॉबर्ट वाड्रा पे, तो रॉबर्ट वाड्रा पे केवल 300 करोड़ का ही आरोप क्यों? क्या इसमें दो चीजें हो सकती है? क्या एक तो हो सकता है कि कम समय में कम जानकारी के आधार पर यह आधा अधूरा आरोप किया गया हो, या कहीं ये प्रशांत भूषण का संदिग्ध चरित्र को देखते हुए रॉबर्ट वाड्रा को बचाने की तो कोशिश नहीं की जा रही है। इस पूरे कार्यक्रम में हम आपको पार्ट टू के तौर पर वही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या रॉबर्ट वाड्रा दामाद किसके, सरकार के या सोनिया के? क्योंकि जिस प्रकार की ट्रीटमेंट उनको देश भर में अब तक दी जाती है, भारत के इतिहास में ऐसी ट्रीटमेंट किसी भी व्यक्ति को कभी भी नहीं मिली। हवाई जहाज में चढ़ने के लिए उनकी सिक्योरिटी जांच नहीं होती, वहां पर जो पट्टी लगी हुई है हर एयरपोर्ट पर, वहां पर हर व्यक्ति का पद लिखा है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा अकेले है जिनका नाम लिखा है। एसपीजी सिक्योरिटी के साथ रॉबर्ट वाड्रा चलते हैं और बड़े बड़े मुख्यमंत्री से लेके कांग्रेस के महासचिव भी उनके तलवे चाटने के लिए हमेशा अपना मुंह फैलाए आगे रहते, ऐसा आरोप उनके ऊपर होता है। आज के इस मुद्दे में आपको बोलना है, हमने किसी दल के किसी व्यक्ति को नहीं बुलाया है, देश के जनता के सामने इस मुद्दे को लेकर आए हैं और केवल आप बोलेंगे, अपनी राय रखेंगे और यह आवाज देश की आवाज बनकर जाएगी, क्योंकि हम किसी राजनीतिक दल के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा रहे, बल्कि देश के आवाज को आगे बढ़ा रहे। हम मुद्दा आपके सामने दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले जरा कुछ कॉलर ले लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। सुरेश जी, मैं कहता हूँ ये गांधी, सोनिया गांधी का दवाई हो सकता है, पूरा देश का तो दवाई नहीं होता, और कांग्रेस का दवाई हो सकता है, क्योंकि वो तो उनका दवाई बनाए रखना तो उनका मजबूरी हो सकता है, बाकी देश का दवाई नहीं है। दूसरी बात, यह देश पहले जब अंग्रेज आया था तो धीरे धीरे उन्होंने कैप्चर किया था, और यही अब दोबारा धीरे धीरे कैप्चर, मतलब 11 लाख करोड़ रुपया इन लोगों ने लूट लिया। अभी जो बुद्धिजीवी सिंह थे, अपने आपको बड़े लोग समझते हैं, वो कहाँ सो रहे हैं अभी? अगर देश पूरा लूट जाएगा तब वो उठेंगे, क्योंकि एक पब्लिक को एक नेता ऐसा चाहिए, एक बड़ा एक ऐसा चाहिए, अन्ना हजारे जैसा बड़े बड़े लोग हैं, उनके साथ आगे उठेंगे तो देश पूरी जनता आएगी। अगर वो लोग नहीं आएंगे तो आम जनता के सामने मतलब उठना ना बात है। दूसरी बात, जो चोर होता है उसको चोर की वो इंक्वायरी कैसे करेगा? ये आप देखिए, एक चोर को बोलते हैं कि दूसरा चोर इंक्वायरी करे, वो कैसे करेगा इंक्वायरी? बिल्कुल नहीं सकता। बिल्कुल, धन्यवाद। हमने पिछली बार भी 2 साल पहले भी यही कहा था कि हम जानते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ बोलने का अभी कोई उपयोग उस तरीके से नहीं होगा कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो, इंक्वायरी की जाए, लेकिन हम साहस करके इसलिए बोल रहे हैं कि कम से कम ये मुद्दा लोगों तक पहुंचे और कोई ना कोई आगे आकर इसको उठाए। अब एक राजनीतिक दल ने केजरीवाल की इसको उठाया है, अभी भी हो सकता है रॉबर्ट वाड्रा का, ये हम जानते हैं, क्योंकि इस देश में किसी एजेंसी में, किसी अधिकारी में और किसी दल में ये हिम्मत नहीं जो रॉबर्ट वाड्रा की इंक्वायरी कर सके। लेकिन हम फिर कहते हैं, जैसे इस बार कोई दल आया और उसने आरोप लगाया, कोई तो दल कभी आएगा और इसकी इंक्वायरी भी करेगा, इसलिए ऐसे चीजों के खिलाफ बोलना है। और एक कॉलर, नमस्कार। वंदे मातरम। नमस्कार, कुंदन बोलिए। हाँ, ये जो रॉबर्ट जी वाड्रा है, 3 साल के अंदर 50 लाख में से 500 करोड़ के हो गए,
यही तो इस देश का रोना है। एक किसान जिंदगी भर परिश्रम करके 10,000 के कर्ज के नीचे मर जाते हैं, और ऐसे पूंजीपति लोग जो अपनी राजकीय ताकत को ये देश में शोषण के नाम से दूसरे ही कई प्रकार से एक के संपत्तियां एकत्र कर लेते हैं, और दूसरी बात उनकी जो कोई उनके विरोध में जाने का कोई बात करता है तो पूरी दिल्ली की भ्रष्ट संतनत के संतरी तंत्री मंत्री लोग सब उठ के आते हैं, जबकि रोबर्ट वाड्रा कांग्रेस के सदस्य भी नहीं है, फिर भी पूरी कैबिनेट के मंत्री और होड़ मंत्री है, जैसे कि रोबर्ट वाड्रा कोई परग्रह के और वैविध्यमान व्यक्ति हो। जी बिल्कुल धन्यवाद। रॉबर्ट वाड्रा के पूरे हवामंडल से अगर गांधी परिवार को हटा दिया जाए तो क्या इनको ये सारी फैसिलिटी मिल सकती थी? क्या इतना सब कुछ हो सकता था? क्या डीएलएफ इनको खड़ा भी कर दी? कभी नहीं। लेकिन एक ऐसे परिवार के दामाद है रॉबर्ट वाड्रा, जिस परिवार का कुत्ता भी अगर सामने आए तो नेता उस कुत्ते के सामने खुद पूछ हिलाएंगे। ऐसी गुलाम मानसिकता की संस्कृति हमारे देश में बड़ी है, और उसी का महिमा मंडन का ये परिणाम है कि रॉबर्ट वाड्रा आज किंग रॉबर्ट वाड्रा बन के देश और दुनिया में घूम रहे हैं। अंबानी परिवार जो इस देश में सबसे फास्टेस्ट या सबसे गतिशील समय में अपने आप को बड़ा करने वाला परिवार है, वो भी बौना साबित होता है रॉबर्ट वाड्रा के वेग और गति के सामने। जिस गति से रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति बढ़ी है, शायद धीरू भाई अंबानी का भी ये भाग्य नहीं रहा। एक और कॉलर। नमस्कार। नमस्कार, मैं आलोक कुमार हैदराबाद से बोल रहा हूँ। आज के विषय में मैं बोलना चाहता हूँ कि इतने कितने लज्जा की बात है कि अरविंद केजरीवाल के सोनिया गांधी व सरकार के जमाई रॉबर्ट वाड्रा पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद